Peace in eyes, happiness in tears, and joy in smiles. Best moments for Indians. I love this. I love Team India. If I had a lot of money, I would go to India and take part of these unforgettable moments. Love from Pakistan as a cricket fan. आप लोगों ने अक्सर क्रिकेट में देखा होगा छक्के और चौकों की बारिश होते हुए, आपने IPL में देखा होगा 50s और सेंचुरीज की बारिश होते हुए, आपने ये भी देखा होगा क्रिकेट में IPL में रिकॉर्ड्स की बारिश देखते हुए, रिकॉर्ड्स को टूटते हुए देखा होगा, लेकिन एक सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीतने पर आपने पार्टीज की बारिश होते हुए कभी नहीं देखा होगा। जो इस वक्त मूवमेंट चल रहा है पूरे इंडिया में, इस टाइम पार्टीज की बारिश हो रही है, लोग खुशियां मना रहे हैं सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीतने पर, वो भी T20 का वर्ल्ड कप जीतने पर। एक वर्ल्ड कप जीतने पर पूरी कौम एक हो गई है। डजंट मैटर किसका रिलीजन क्या है, ये फर्क नहीं पड़ता, सब लोग एक ट्रॉफी के पीछे खड़े हुए हैं। यानी वो कहते हैं ना, मुंबई को और दिल्ली को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तब ये दोनों बड़े शहर रुक जाते हैं अपने हीरोज को वेलकम करने के लिए। गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। दूसरा ये भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहा राहुल कहते हैं, अरे आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। फुटबॉल का वर्ल्ड कप था, अर्जेंटीना में गया, अपनी कंट्री में जाकर सेलिब्रेशन की, वहां भी आप लोगों ने देखा होगा कैसे ग्रैंड वेलकम किया गया था। लेकिन जब आप देखते हो क्रिकेट की तरफ और टीम इंडिया की तरफ, रोहित शर्मा का वेलकम किया इंडियन लोगों ने, उसका लेवल कुछ अलग ही था। ना सिर्फ एक सिटी में, पूरे होल इंडिया में इतना बड़ा वेलकम आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था, ना 2007 में ना 2011 में, जितना इस बार सेलिब्रेशन किए हैं टीम इंडिया के लिए इंडियन लोगों ने। इंडियन टीम ये डिजर्व भी करती है इतने ग्रैंड वेलकम का, क्योंकि उन लोगों ने 150 करोड़ अवाम का दिल खुश किया है, 150 करोड़ अवाम का ख्वाब को सच किया है, हकीकत बनाया है, अपने मुल्क के लिए ट्रॉफी जीत कर लेकर आए हैं। टीम इंडिया से इतने ज्यादा लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि इस बार जरूर ट्रॉफी लेकर आएंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से हर बार उस लाइन तक तो पहुंचते थे लेकिन वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाते थे। इस बार रोहित शर्मा ने वो लाइन क्रॉस भी की और अपने लोगों को बहुत बड़ी खुशी भी दी। टीम इंडिया की ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, वो इस वजह से कि आजकल का जो दौर है, टेक्निकल दौर है, AI का जमाना है, होम कंडीशन पर कोई भी कंट्री सीरीज नहीं जीतने देती। पाकिस्तान को तो छोड़ ही दो, जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ये अपनी होम कंडीशन पर किसी भी टीम को नहीं जीतने देते, एक मैच भी नहीं जीतने देते, बड़ी मुश्किल से दूसरी कंट्री वाले आकर वहां पर जीतते हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी कंट्री में तो वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन बाहर जाकर वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आया है। अब 2011 की मिसाल ले लें, 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, चैंपियन कौन बना, टीम इंडिया। 2015 में ODI वर्ल्ड कप कहां पर हुआ, ऑस्ट्रेलिया पर, चैंपियन कौन बना, ऑस्ट्रेलिया। और 2019 में ODI वर्ल्ड कप कहां पर हुआ, इंग्लैंड में, चैंपियन कौन बना, इंग्लैंड। 2019 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, लेकिन टीम इंडिया अनबीटन गई थी फाइनल में, लेकिन सिर्फ एक मिस्टेक से वो पिच के हेर फेर की वजह से टीम इंडिया वो मैच हार गई। लेकिन अब रोहित शर्मा ने 2023 का बदला 2024 में आकर लिया है। जिस टीम ने रोहित शर्मा को दर्द पहुंचाया, रोहित शर्मा ने 2024 में क्या खूब बदला लिया है। जोश बटलर से भी बदला लिया, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बैट कमिंग से भी बदला लिया, ऑस्ट्रेलियन पूरी टीम से बदला लिया, और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर अपने मुल्क के नाम किया, अपने लोगों के नाम की। इंडियन वाले बेस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो टीम इंडिया में हो। आप लोगों को ये तो लग रहा होगा कि अचानक से ये जीत गए, ये अचानक से नहीं जीते, इसके पीछे कितना बड़ा स्ट्रगल है आप लोग अच्छे से जानते हैं। 5 साल लगे हैं रोहित शर्मा को, 5 साल, एक लंबा प्रोसेस था ये कि टीम इंडिया यहां तक पहुंचे। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारना, ODI वर्ल्ड कप का फाइनल हारना,
T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारना, लेकिन इस बार टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। और जीते भी क्यों ना, ये दो खिलाड़ी डिजर्व भी करते थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली। विराट कोहली का पहले 7 मैचेस में बल्ला नहीं चला, कोई रन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन बार बार वो कहते हैं ना, जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर कोहली खड़े होते हैं। पहले 7 मैचेस में 66 रन्स है, लेकिन फाइनल में बड़े मैदान में बड़े मुकाबले में विराट कोहली के एक मैच में 76 रन्स है और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जितवा दी। ये होता है सपोर्ट करना, अपने कप्तान का अपने खिलाड़ी पर यकीन रखना, और वो भी ऐसा जिसका नाम हो विराट कोहली। आप लोग विराट कोहली पर बिलीव चेक करें। रोहित शर्मा ने स्टेटमेंट दिया था सेमीफाइनल का जब मैच जीते थे, कि रोहित शर्मा के लफ्ज थे कि विराट कोहली हमें सेव करेगा फाइनल में। और कोचिज का और टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं और क्रिकेट फैंस जितने भी हैं, उनको ये पता है कि पहले 6 मैचेस में विराट कोहली के बल्ले से रन्स नहीं आए, लेकिन फिर भी विराट कोहली के पीछे खड़े थे, यानी विराट कोहली को पूरा मौका दिया जाए। उनको पता था विराट कोहली अपने बल्ले से रन्स लेकर आएंगे बड़े मैच में, बड़े मैच का प्लेयर है विराट कोहली, और विराट कोहली ने ये करके भी दिखाया, अपनी टीम को वर्ल्ड कप जितवा कर दिया। इंडिया के एक्स क्रिकेटर संजय और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर रमीज राजा, उन दोनों का स्टेटमेंट सेम था। रमीज राजा का कहना था कि विराट कोहली के मैटर्स नहीं करते रन्स, जहां पर साउथ अफ्रीकन टीम को 26 रन्स चाहिए थे जस्ट 24 गेंदों पर। और संजय मंजेकर का भी यही कहना था कि विराट कोहली को जो मैन ऑफ द मैच दिया गया फाइनल में, ये विराट कोहली का बनता ही नहीं था, ये तो बॉलर्स को देना चाहिए। भाई बॉलर्स को कैसे देना चाहिए, पिच की कंडीशन सब लोग जानते हैं, डिफिकल्ट पिच पर जहां पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं 30 रन से पहले, फिर विराट कोहली का खड़ा होना बनता था। जैसे पहले 7 मैचेस में फेल हो गए, अगर खुदा ना खास्ता वहां पर भी फेल हो जाते, विराट कोहली पर इतनी बात नहीं आनी थी जितना टीम इंडिया का नुकसान होना था, और ये ट्रॉफी से हाथ धो बैठते। विराट कोहली वहां पर खड़े हुए, विराट कोहली ने एक अच्छा टारगेट सेट किया जिस वजह से टीम इंडिया फाइट कर सके, जिस वजह से बॉलर फाइट कर सके, क्योंकि बॉलर्स के पास मार्जिन था। अगर कोई बाउंड्रीज लग जाती है 1-2 एक ओवर में, तो उनके पीछे बैकअप पर रन मौजूद थे, और रन्स किसने बनाए थे, विराट कोहली ने। फिर ये कैसे बोल सकता है कि बॉलर्स को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए, ना कि विराट कोहली को मिलना चाहिए। एक क्रिकेट एक्सपर्ट से यही उम्मीद की जाती है कि वो ग्रेट एनालिसिस करें, प्लेयर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करें, कहां पर प्रॉब्लम है, टेक्निक कहां पर खराब है, उसके बारे में बताए, लेकिन ये तो अपनी भड़ास निकाल रहे होते हैं। इसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, टीम इंडिया इस वक्त वर्ल्ड कप जीत कर आई है, क्या ग्रैंड वेलकम किया गया है? लेकिन कुछ लोग बहुत ही जले होंगे विराट कोहली से, रोहित शर्मा से, जैसे आप लोग स्टेटमेंट सुन ही रहे होंगे मीडिया पर। ये होता है क्रिकेट फैंस के अपने खिलाड़ी को कैसे बैक करते हैं, जब उसका हीरो अपनी कंट्री के लिए खेलता है, अपने लिए नहीं खेलता। जैसे विराट कोहली इंटेंट से बैटिंग कर रहे थे, वो अपने लिए खेलता तो वो पहले 1 मैच में फेल हो गए, 2 मैच में फेल हो गए, तीसरे मैच में वो सेल्फिश इनिंग खेल सकता था। लेकिन रोहित शर्मा ने फाइनल सेमीफाइनल के बाद जो इंटरव्यू दिया, उसने साफ ये कहा, इंटेंट इज देयर, यानी विराट कोहली की बैटिंग में इंटेंट मौजूद है, जिस वजह से उसको ये फेलियर देखना पड़ रहा है। जैसे ही फाइनल आया, वैसे ही विराट कोहली नजर आए जैसे होना चाहिए था, क्योंकि विराट कोहली जैसे बैटिंग कर सकते हैं, वैसे रोहित शर्मा बैटिंग नहीं कर सकते। जैसे रोहित शर्मा बैटिंग कर सकते हैं, वैसे विराट कोहली नहीं कर सकते। टीम का क्या मतलब होता है, 11 प्लेयर्स का अलग अलग रोल होता है। अगर सभी लोग एक जैसे खेलना शुरू कर दे, एक बार तो आप 300 रन बना जाओगे, फिर एक बार तो आप फिर 50 रन भी नहीं कर सकते, तो ये गेम नहीं होती, ये सेंस नहीं होता। बस आप स्टेटमेंट दे सकते हो, आप वो अपना नाम मशहूर करवा सकते हो बस विराट कोहली के नाम पर। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।